वतन पाकिस्तान के अजीम अजीम सना खान मौजूद होते हैं। अब जिस सना खान ने हमें ज्वाइन करना है वो किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वतन पाकिस्तान के अजीम सना खान अलहाज गुलता आरुफ अहमद नक्शबंदी साहब के सबसे छोटे साहबजादे, जिनको वो बड़े फ़खर से जो है वो माइक पर पेश भी करते हैं। मेरी मुराद जो है वो साहबजादा मोहम्मद हसन गुलता आरुफ अहमद नक्शबंदी साहब से। मैं अस्सलाम वालेकुम हसन, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और ये मेरी बिलखसूस दुआ है और आपके लिए हमने बहुत सारी दुआएं भी की और अल्लाह ताला ने इमाम जैनुल आबिदीन के सदक़े में आपको सेहत सलामती वाली दोबारा जो है वो ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी आप कह सकते हैं, अल्लाह ने आपको अनायत की। और जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं वो हमें हमारे साथ शामिल हाल हैं, हम फेसबुक पर और दीगर जगह पर मैं देखता रहता हूँ और मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं फ़ौरन से पहले ये चाहूँगा, मेरी ये जो ख्वाहिश है, मैंने जो आपसे कहा कलाम, वो हमारे नाज़रीन के लिए आप पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ और भरपूर हाज़िरी हो, देखने वाले और सुनने वालों का दिल आज खुद मदीना बन जाए। बिस्मिल्लाह। जी मैं रफीक ज़िया साहब के कलाम के चंद इशारे पेश करता हूँ। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गए आपने गए आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। शेर समाप्त हुआ। इतना मानो मैं तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आदतें आदतें मेरी बख्शिश का ना तो पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा, मैं नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा, मरहला पुल से गुजरने का कठिन है लेकिन आपने प्यार से देखा तो गुजर जाऊंगा, आपने प्यार से देखा तो गुजर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी तेरे पंजतन से जुड़ी
बेखतर हो के लाहत में मैं उतर जाऊंगा, बेखतर हो के लाहत में मैं उतर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाज़रीन किराम कलाम जो है मोहम्मद हसन गुलतारुफ अहमद नक्शबंदी साहिब ने पेश करने की सआदत हासिल फरमाई, और मैं हसन भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो कलाम पेश किया, यकीन करें कि एक कैफियत, हालांकि महफिल में जो कैफियत होती है वो और होती है। अभी इस वक्त जो है हम यहाँ पर चंद अहबाब ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन पूरी जो महफिल में कैफियत और समा बांधने वाली जो हाज़िरी होती है, आपने उसी तरह अपनी हाज़िरी को जो है वो यकीनी बनाया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।